आप लोग चाहे भारत में चले जाओ चाहे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चले जाओ, दोनों जगह प्रोटेस्ट ही चल रहा है। भारत में चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, नेपाल में चल रहा है हिंदू डिमांड फॉर हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट, में कोई एक इंसान से कुछ है तो कोई दुख है, परंतु एक इंसान से सभी कुछ नहीं हो सकते, इसलिए प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं। कोई किसी के खिलाफ चल रहा है, कोई किसी के विरुद्ध चल रहा है, कोई किसी के साथ है तो किसी के साथ बेटा है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज भारत की बात नहीं होगी और आज वर्ल्ड की बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी आज दोनों की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भारत में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये क्यों चल रहा है आपको पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान के नए नियम जो लॉ लाए गए थे उनके खिलाफ चल रहा है, और इसके अंदर पंजाब हरियाणा और कुछ राजस्थान के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और नेपाल में आपको पता ही होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ पे जो पार्टी चलती है उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि मोइस्ट नाम की यहाँ पे जो पार्टी है। हम लोगों को देखना यह है कि इन प्रोटेस्टों से क्या निकल के आते हैं, क्या भारत में किसान के साथ कुछ अच्छा होगा, या फिर नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ क्या होगा, कोई कुछ कार्रवाई करेगी या कुछ यदि कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो इस वीडियो ने आपको बताया होगा कि भारत में क्या और नेपाल में क्या चल रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये करना कि नीचे वाला जो लाल बटन दिया है ना इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो और भी अच्छी आए।